हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू पटेल्स किचन। और फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ओट्स एग ऑमलेट की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, वीडियो एंड तक जरूर देखना और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरी चैनल का लिंक जरूर शेयर करना। तो चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। एक टमाटर मैंने इसे फाइनली चॉप कर लिया है, सीड्स निकाल दिए हैं। और एक अनियन यानी कि प्याज मैंने इसे फाइनली चॉप कर लिया है। आधा कैप्सिकम अच्छे से चॉप कर लिया है। 1/4 कप यानी कि 4 टेबलस्पून दूध, 3 अंडे, 4 टेबलस्पून यानी कि 1/4 कप मैंने ओट्स ले लिए हैं, 2 ग्रीन चिली, थोड़े से कोरिएंडर लीव्स, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। और यहाँ पर मैंने 3 अंडों को तोड़ लिए हैं और इसके अंदर मैं सारे इंग्रेडिएंट्स मिला लूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फ्रेंड्स, अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप पर शेयर ज़रूर करना। मुझे दूसरे सोशल मीडिया पर फॉलो करना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर का। और आप मेरी कोई भी रेसिपी ट्राई करते हो और उसका पिक्चर मेरे साथ शेयर करना चाहते हो, उसकी फ़ोटो मेरे साथ शेयर करना चाहते हो, तो मुझे इंस्टाग्राम पर टैग कर देना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और मैंने और भी बहुत सारी रेसिपीज शेयर की है कुकिंग और बेकिंग की, तो आप मेरी चैनल पर चेक ज़रूर कर लेना। तो फ्रेंड्स, ये ओट्स ऑमलेट बहुत ही टेस्टी बनते हैं और साथ में हेल्दी भी है। आप लोग ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरी ये सिंपल और ईजी रेसिपी कैसी लगी। तो बस सारे इन्ग्रीडियंट्स मैंने अंडों के साथ मिला लिए हैं। अब मैंने अच्छे से मिक्स करके फ्राई करूँगी। फ्रेंड्स, ये बहुत क्विक ब्रेकफास्ट की रेसिपी है। आप ब्रेकफास्ट, ब्रंच या फिर इवनिंग स्नैक्स में भी ले सकते हो। तो देखो, अब मैं इन्हें फ्राई करूँगी। तो पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल लूँगी, आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ डेली कुकिंग में जो सनफ्लावर ऑयल यूज़ करती हूँ वो ही यूज़ कर रही हूँ। और ये चला गया ऑमलेट का मिक्सचर और मैंने इस तरह से फैला दिया। और मैं इन्हें अच्छे से फ्राई कर लूँगी। मैंने इतने इन्ग्रीडियंट्स के साथ 4 ऑमलेट बनाए थे। वो साइज़ पर भी डिपेंड करता है कि आप कितनी साइज़ के बना रहे हो। तो बस मैं इसे अभी फ़्लिप कर दूँगी, ये अच्छे से फ्लिप हो जाएगा। छोटा बनाया है इसलिए, अगर आप बड़ी साइज़ का बनाते हो तो बीच में से कट करके फ़्लिप कीजिए। तो बस इस तरह से मेरे सारे ऑमलेट्स बनकर तैयार हो जाएंगे थोड़ी देर में। देखो फ्रेंड्स, इसके साथ हमें कोई भी पाव, ब्रेड, रोटी, पराठा सर्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ओट्स है। तो आप इसे ऐसे ही खा सकते हो और आप फुल हो जाओगे। तो ये बहुत ही इजी, सिंपल, हेल्दी और टेस्टी क्विक रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई करना और दुआओं में याद रखना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।